एक दिन रात में मैं ऐसे ही नेट सर्फिंग कर रहा था, तभी मुझे एक हॉरर नाम की अजीब सी वेबसाइट नजर आई। मैंने उसे ध्यान से देखा और पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, यू विल हैव द वर्स्ट एक्सपीरियंस हियर, और उसी के नीचे एक लिंक था वेलकम टू डेथ के नाम से। मैं सोचने लगा, क्या मुझे इस लिंक पर क्लिक करना चाहिए? कहां ले जाएगा ये लिंक मुझे और क्या एक्सपीरियंस करवाएगा? मैंने थोड़ी देर तक सोचा, उसके बाद मैंने क्लिक करने का फैसला लिया और खुद से बोला, चलो देखा जाएगा क्या होता है, वैसे भी जिंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। अरे ये क्या हुआ, ये बंद कैसे हो गया? अरे ये कैसा लिंक था, मेरा कंप्यूटर ही ऑफ हो गया। ये कैसी वीडियो ओपन हो गई? ये रूम तो कुछ हद तक मेरे रूम जैसा लग रहा है। अगले ही पल एक अजीब सा लड़का दिखा, जो कि एक रूम में अकेला खड़ा था और वो सिर्फ मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। उसे देखकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, मानो जैसे वो सच में मुझे अभी लाइव देख रहा है। वो मुझे कॉपी कर रहा था। अरे यार ये कैसी वेबसाइट है, मुझे कहां ले आई है? काफी अजीब सा और डर सा लग रहा है। फिर वो लड़का एकदम शांत खड़ा हो जाता है। और साइड में एक लिंक पॉपअप होता है और वो मुझे उस लिंक पर क्लिक करने का इशारा करता है। मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। तभी एक ऑडियो फाइल खुलती है और उसके ऊपर लिखा होता है, प्ले एंड डिकोड ऑडियो। मैंने उसे प्ले किया। ये कैसी आवाज है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उसे 3-4 बार प्ले करके सुना, लेकिन उसे डिकोड नहीं कर पा रहा था। फिर मैं उसे डिकोड करने के बारे में सोचने लगा। अरे हाँ एक आइडिया, क्यों ना इसे डाउनलोड करके ऑडियो ऐप में रिवर्स करके सुनूं। उस ऑडियो को सुनकर मैं काफी डर गया। वीडियो में खड़ा वो लड़का एक टक मुझे ही देखे जा रहा था। अचानक उसके पीछे एक साया आता है। अरे ये इसके पीछे कौन है? वो धीरे धीरे उसके नजदीक बढ़ रहा था। मैं वो सारी एक्टिविटी देख रहा था जो उस वीडियो में हो रही थी। मुझे वो मंजर काफी डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरी नजर उस वीडियो से हट नहीं रही थी। मैं उसे देखे ही जा रहा था। वो साया झटके से उसकी गर्दन खोल रहा है।
और घसीटता हुआ बाहर अंधेरे में ले जाता है। मुझे वीडियो में उसकी चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी और चाकू से मारने की कच कच की आवाजें भी आ रही थी। मैं बहुत डर जाता हूँ ये सब सुन के। थोड़ी देर बाद फिर वीडियो में बाहर से उसकी बॉडी कमरे के अंदर फेंक दी जाती है। और स्क्रीन में लिखा आता है नाउ योर टर्न। ये पढ़कर मैं डर से पसीना पसीना हो गया और उस कमरे में देखे ही जा रहा था। और उसे उस वीडियो के अंदर खींच लेता है और अब उस लड़की की जगह वो खड़ा था। वो उस वीडियो में तब तक फंसा रहेगा जब तक कोई दूसरा उस लिंक को ओपन नहीं करता। हेलो दोस्तों, if you like this video then please share the video with your family and friends। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। बाय।